बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा दोस्त, ये फ़िल्टर है, एयर फिल्टर, इसको इस तरीके से फिट करना है जिस तरह लड़का इसको फिट कर रहा है। पहले उसको साफ़ कर लें, नया डालना, उसको नया डाल लें। तो ये जो क्लंप है, इसकी साइट है, ये इस तरीके से कसाई करनी है। और जो ये बोतल के ऊपर सुराख है, ये नीचे वाली साइड पर आएगा। तो जी, तो बोतल इस तरीके से कसाई करनी है, ठीक है जी। तो ये फ़िल्टर बोतल की फिटिंग भी देख लें, आपको उम्मीद तो है कि नज़र आ रही होगी। इसको देख लें और इस तरीके से फिटिंग करेंगे भी बैक साइड से ये टेढ़ी ना हो, बंद ना हो जाए। अच्छे तरीके से ना चेक कर लेंगे भी वो हिला कर उसको अच्छी तरह, ठीक है। तो बाकी ट्यूनिंग है, ट्यूनिंग में टैपेट वगैरह वो भी मैं आपको ना आगे वीडियो है वो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। ये जिस तरह है ना, मैग्नेट टॉप करना है इसके ऊपर मैग्नेट, तो टैपेट एडजस्ट करने के लिए मैग्नेट टॉप पे करना है। टैपेट कवर खोल लेने हैं पहले, और ये मैग्नेट दो दफ़ा टॉप पे आता है। ये मार्क जो है, ये एक जगह पे टी लिखा हुआ है, एक जगह पे एफ लिखा हुआ है। टॉप पे जिस वक्त हो गया, इधर अपना टैपेट चेक कर लेने हैं कि भी इधर टॉप पे है। ये एफ के ऊपर निशान रखना है जी। तो ये टैपेट कवर खोल लिए हमने, और उसके बाद मैग्नेट को टॉप पे कर लेना। ये इधर देखें जी, इधर ये टॉप पे है। टॉप ये दो दफ़ा आएगा, एक टॉप डेड सेंटर, एक बॉटम डेड सेंटर है। टॉप डेड सेंटर के ऊपर ये होगा, और इधर टॉप पे करने के बाद टैपेट आपने एडजस्ट करने हैं। फिलर गेज, इसकी जो टैपेट गेज होती है वो, ये चाइना मोटरसाइकिल है 70 सीसी, इनकी मुख्तलिफ है। पुराने मॉडल होंडा सीडी 70 की और चाइना मोटरसाइकिल की टैपेट एडजस्टमेंट है वो, उसका गेज का नंबर है 0.05। उस पर आपने इसको एडजस्ट करना है। और जो न्यू मॉडल होंडा 70 है, उसकी गेज है वो है 0.010। ये गेज मार्केट से आसानी से मिल जाती है मेरे भाई, उससे आपने इसको एडजस्ट करना है। हम ये चाइना की मोटरसाइकिल है, इसको ना एडजस्ट कर रहे हैं 0.05 पर। तो ये गेज है 0.05 की, इसके साथ की गेज ना मार्केट से आसानी से मिल जाती है, 100-150 रुपए की होगी गालबन एक गेज बस। ये नंबर है 70 मोटरसाइकिल, नया मॉडल है, उसकी गेज है 0.010। तो उस पे ये दोनों मिल जाती हैं, 0.05 और 0.010। तो हम ये 0.05 पर इसको एडजस्ट करेंगे। ये ऊपर वाला टैपेट है, इसका थोड़ा सा सख्त था, वो टाइट हुआ हुआ था, उसको हम 0.05 पर एडजस्ट करेंगे। जैसे ये देखें, उसको थोड़ा सा ढीला कर लें और गेज उसके नीचे रखें, टैपेट के सेंटर में रखें बाल और टैपेट के, और देख लें हल्की सी टाइट है ना गेज निकलनी चाहिए। ज़्यादा ढीली होगी तो फिर वो गेज का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। हल्की सी टाइट हो कि भी आप गेज को अगर निकालें तो हल्का सा टाइट गेज उसके नीचे से निकले, टैपेट के नीचे से। ये देखें, ये हो गई है, दोबारा चेक कर रहे हैं कि भी ठीक है। तो जी इसी तरह नीचे वाली है, नीचे वाला बाल इसका ढीला हुआ हुआ है, उसको हमने हल्का सा टाइट करना है, और ऊपर वाला टाइट था उसको हल्का सा ढीला किया था। इसी तरह गेज रखें और हल्की सी टाइट गेज उसके अंदर से निकले। तो दो चीज़ें होगी फिल्टर और इसके, बाकी ट्यूनिंग के अंदर है कार्बोरेटर, अगर वॉश करना है तो वो कर लें, केबलें शेबलें ब्रेक वगैरह नट बोल्ट जो टोटल हैं उनको टाइट कर लें, तसल्ली कर लें। मज़ीद वीडियो में आपको